देना पड़ता और मेरे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक्चुअली मैं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको रूबरू कराना चाहूंगा कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बेसिक शिक्षा विभाग के लिए सबसे पसंदीदा तस्वीरों में से एक और मेरा परिचय इसी स्कूल के माध्यम से मैं आपको देना चाहूंगा। सर मैं कोई स्कूल है जिससे मैं कोई पढ़ाऊ और मैं यहीं पे प्रधान अध्यापक हूँ और मुझे गर्व होता है कि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। आईसीटी का उपयोग तो मैं नहीं समझ कर रहा हूँ, तो मैंने इसे रफ एस्टिमेट बनाया था कि आईसीटी के टूल से हमें यूज करने से हमें लगभग कितना लाभ हुआ है। तो ये रफ एस्टिमेशन था हमारा आईसीटी के उपयोग से पहले कि हम डिफरेंट कैटेगरीज में हम कहाँ पे थे, उपस्थिति में प्रतिशत में, मतलब बच्चे कहाँ पे सोचने समझने की क्षमता का विकास उनका कैसा था, लेखन और पाठन उनका कैसा था, वातावरण से जुड़ा उनका कैसा था, हमने इस पर वर्क किया। मुझे सर ग्राफ भी है इसका जो मैंने दिया है, बहुत अच्छा इन्होंने सर्वे किया। इसी तरीके से आप सबको करना है तो सरकार बहुत लोग कर रहे हैं, बट डेटा किसी कार्य को करता हूँ प्रेजेंट करना दो अलग अलग चीज। बहुत अच्छे तरीके से आपने कितना सक्सेस रेट ले पाए वो आपके साथ।
मैंने कहा सर हम कब खिलाएंगे, बोला हमने मोबाइल में गेम खिलाया था, उनके लिए गेम रहा और बाद में जब हमने उसको कलेक्ट किया डाटा को, जो मुझे लगा जैसे 100 की क्लास थी सर आप देख रहे होंगे, तो 10 बच्चों के आधार पर मैंने डाटा तैयार किया सर। ये हमारा कोरोना लगा है सर, इस पर मेंशन मैं आपका जरूर चाहूंगा, हमारे वाराणसी के साथी भी इस पर ध्यान देंगे। ये कोरोना काल में जब हमारा विद्यालय कभी कभी खुला, ऑनलाइन क्लास सबने चलाई, गूगल फॉर्म सबने बनाए, मैंने भी बनाए, लेकिन इस स्थिति को ध्यान से देख सकते हैं कि जब जब हमें मौका मिला ऑनलाइन क्लास के दौरान, तब तक हमने अभिभावकों के बीच जाकर उनको क्यूआर कोड चलाना सिखाया। ये हमारे विद्यालय में आए हैं, इनको बताया जा रहा है कि क्यूआर कोड का उपयोग आपको कैसे करना है। मैं उनकी गली में हूँ, यहाँ पर बताया जा रहा है क्यूआर कोड को स्कैन करना बताया जा रहा है। ये दो बच्चे सर हमारे जनपद के नहीं है, ये जनपद वाराणसी के गाँव शेरवानी के हैं। आप अगर जानते हो मैं तुमको नहीं जानता, इसका कल ब्लॉग मुझे नहीं पता सर, बड़ा गाँव के करीब लगता है। वर्तमान में इनके जो पापा है वहाँ के ग्राम प्रधान है और शिक्षा को लेकर बड़े जागरूक हैं। ये बच्चे जनपद वाराणसी के हैं, हमारे नहीं है, यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट हमने छोटे छोटे वीडियो बना कर डाले वो बाहर तक है, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके पी एस सी साहब हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है। ये कोरोना काल के समय का कुछ मीडिया एक्सपोजर है जो आपके सामने है कि बच्चों को बताया गया शिक्षा का कैसे प्रयोग करें और आपके सामने है। ये कुछ मेरे मीडिया से है मैम, जिसका यूट्यूब चैनल है। थैंक यू वेरी मच, इट्स लाइक